नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई दुबई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, आपको पता ही होगा भाई कोविड जो 19 महामारी जो चल रहा है, कोरोना जिनको बोल सकते हैं, उनकी वजह से बहुत सारी कंट्रियों के लगभग जो वर्कर थे इनका जॉब जा चुका है। और अपन बात करें यूएई से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड, तो आपको पता भाई इंडियन पॉपुलेशन दुबई में सबसे ज़्यादा रहती है, तो जाहिर सी बात है जॉब भी उनका सबसे ज़्यादा, अगर प्रतिशत उनका ज़्यादा है तो फिर जॉब भी उनका जाना स्वाभाविक है। मेरे हिसाब से लगभग 5 लाख लोगों से ऊपर से लगभग लोगों का जॉब दुबई यूएई में जा चुका है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, मैं अंदाजन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फिलीपींस वहाँ पे हैं, उनका लगभग 1 लाख के करीब उनका जॉब ख़त्म हो गया है, लगभग 92,000 के करीब उनका आंकड़ा आ रहा है कि भाई यूएई से उनका जॉब ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान से भी लगभग 2 लाख के करीब ऊपर के करीब बोल रहे हैं कि आंकड़ा जॉब है वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम बात करते हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, क्योंकि अफगानिस्तान की यूएई दुबई से रिलेटेड नई संधि हुई है। जी हाँ, श्रम विभाग जिसको मान सकते हैं जॉब से रिलेटेड। जी हाँ, तो उसमें मैं बता दूं संधि जिसको माइग्रेशन प्रणाली बोल सकते हैं, माइग्रेशन से रिलेटेड इसको, ये जॉब से रिलेटेड आता है। लगभग 1,30,000 जी हाँ अफगानी लोगों को दुबई में रोज़गार मिलेगा। अभी की लेटेस्ट न्यूज है ये, लगभग 20 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 अगस्त से ये शुरुआत हो जाएगी। और बता दूं अफगानिस्तान जो एम्बेसी है, अफगानिस्तान की एम्बेसी यूएई में, उनकी जो आधिकारिक घोषणा हुई है, उनका जो बयान आया है, उनके अनुसार मैं बता रहा हूं, उन्होंने बताया कि हमारा दुबई यूएई के साथ द्विपक्षीय समझौता हुआ है, उसके तहत हमारे जो वर्कर थे बहुत सारे वो वापस चले गए, जॉब उनका चला गया। हालांकि पहले भी थे अफगानिस्तान के, दुबई यूएई में जॉब कर रहे थे, लेकिन अभी जो नया फैसला आया है, उनकी आपस में संधि हुई, उसके अनुसार लगभग 1,30,000 के करीब नए जॉब उनको वहाँ पे दुबई में यूएई में दिए जाएंगे। सबसे पहले 1,000, जी हाँ सबसे पहले 1,000 अफगानिस्तान वर्कर दुबई यूएई में जाएंगे। जी हाँ, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे 1,000 लोगों को सेट कर दिया, उसके बाद 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे कर करके 1,30,000 के करीब अफगानिस्तान लोग दुबई में पहुंचेंगे जॉब के लिए। अफगानिस्तान एम्बेसी की तरफ से ये भी बताया गया कि भाई हमारे यहाँ जॉब में स्किल की कमी नहीं है, ये उनका ये दावा है कि जो भी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड आता है उनके अनुसार 30 स्टूडेंट अगर हैं तो उसमें से एक स्टूडेंट अफगानिस्तान का है, तो स्किल अच्छी है, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, तो उनके हिसाब से जॉब भी फिर उनको आसानी से मिल जाएगा। तो भाई देखिए, मेन बात वही आती है, स्किल्ड की वैल्यू होती है। स्किल्ड से जिस कंट्री के पास ज़्यादा है पॉपुलेशन में स्किल्ड है तो उनको अच्छे जॉब मिल जाते हैं। यूरोप कंट्री में जॉब मिलते हैं अच्छे वाले तो कैसे मिलते हैं, स्किल्ड अच्छी है तो आराम से कंपनियां उनको जॉब दे देती हैं। इंडियन वर्कर अमेरिका में जाके जॉब करते हैं तो उनके पास स्किल्ड है, और सबसे ज़्यादा अमेरिका में बात करें तो भाई IIT के लोग हैं तो उनको वहाँ पे जॉब अच्छी तरह से मिल जाते हैं। यही सेम काम यूएई दुबई से रिलेटेड होता है। तो बस साथियों, ये न्यूज़ आपको देनी थी कि भाई यूएई के ये सिस्टम है, मैंने आपको बता दिया। अफगानिस्तान सरकार की तरफ से दुबई श्रम मंत्रालय से जो एग्रीमेंट हुआ है, 1,30,000 के करीब अफगानिस्तानी वर्कर यूएई दुबई में जॉब से रिलेटेड जाएंगे। इंडिया का अभी तक मेरे पास जैसे कोई अपडेट नया आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बाकी इंडिया का कोई अपडेट आएगा नहीं भाई, क्योंकि इंडिया का तो दुबई से पहले से कॉन्टेक्ट हुआ ही है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है। अफगानिस्तान का हो सकता है नया हुआ तो इस वजह से वो न्यूज़ आ गई होगी, बाकी इंडिया का तो पहले से सेट है काम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।